लेकर यह फलवाई। शरीर, मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब यही है कि हम ऐसे काम करें जो शोभनीय लगे, अच्छे लगे, बढ़िया लगे। मैं आपके घर आऊं किसी दिन तो तुलसी मुस्कुराती हुई नजर आए, आपके दरबार के आगे गैया के गोबर के रस की थाप लगी हुई है, ऐसे घर को कभी नजर नहीं लगती, उसके ऊपर जादू टोना टोटका नहीं लगता। गैया के गोबर में ऐसे हाथ कर लो और दो दो हाथ दरवाजे के ऐसे छाप दो, ऐसे छाप दो, आप बिहारी जी के मंदिर, इससे मनोतियाँ पूरी होती। कभी आप वृंदावन आए, भगवान बांके बारी के मंदिर के पीछे देखना आप, दुनिया भर की गोबर की थापें लोग वहाँ लगा के आ जाते हैं, कहते हैं बिहारी जी हमारी ये मनोती पूरी कर दीजिए, और वो कर दे। आपके घर में तुलसी, आपके घर पर गमले में कुछ विशेष पेड़, आंवले का पेड़, बेल का पेड़, बेल तो आप धरती में भी लगा सकते। और आजकल मैंने काम करना शुरू कर दिया है कि रोजाना अब हम धर्म यात्रा में कुछ वृक्षों के बारे में बोलें। यहाँ से रोज धर्म यात्रा आप श्रवण करेंगे, आज से ही शुरू होगी, और जिसको हम रोजाना आपके बीच में, टाइम हमने थोड़ा सा चेंज किया है 8:30 से 9:30, क्योंकि थोड़ा आजकल जल्दी सोना शुरू कर दिया है, भोर में जल्दी जागते हैं, और वैसे भी अब तो कार्तिक शुरू हो रहा है, 8:30 से 9:15 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम। यह वरदान की तरह साबित होगा, इसमें वास्तु के ऊपर भी आप सुनेंगे, कुछ मुहूर्त चिंतामणि के लिए भी आप सुनेंगे, और आनंद की बात है पर्यावरण के लिए भी आपको सुनने का यह सौभाग्य प्राप्त होगा। अपने आप को व्यस्त करके रखो, बिल्कुल भी फालतू नहीं। सोने के लिए जब सोने का समय हो तभी आप लेटें, बिस्तर पर बैठिए, लेकिन यदि ज़्यादा लेटे पड़े रहेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, ये दुखेगी, इसमें दर्द होगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पानी भी लेटे ही लेटे पीते हैं, थोड़ा बैठिए, बैठने का अभ्यास कीजिए। हम लोग कितना बैठते हैं, कभी तो मैं आश्चर्य करता हूँ, हम लोग रोजाना 15-16 घंटा डेली बैठते हैं, व्यासपीठ पर तो बैठते ही हैं, इसके अलावा अपना पूजा पाठ, मैं कभी लेट करके पढ़ता नहीं किताबें, लेट करके नहीं पढ़ता, बैठ करके आसन लगा करके। और आप कुर्सी पर जितने पाम लटका करके बैठोगे तो उसका ब्लड पूरा नीचे आएगा और इसका असर पूरा किडनी के ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए कुर्सी पर भी कम बैठें, बैठिए कम बैठिए, धरती पर आसन लगा करके ज़्यादा बैठें। सुबह का एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। रात्रि को घूमना, टहलना, शाम को पैदल भोजन के बाद 100 कदम चलें, इससे आपका स्वास्थ्य बड़ा बढ़िया रहेगा। और हम लोगों की कोशिश है कि लोग निरोगी रहें, उनका पैसा बचे, फालतू में बीमारियों पर बिल्कुल भी खर्च ना हो, वो पैसा अच्छे कामों में लगे, परिवार को चलाने में लगे, उसके लिए हम चैनलों के माध्यम से टिप्स आपके पास में बराबर भेज रहे हैं। तो तीसरे स्कंद में 2 बातों के ऊपर पूरा स्कंद लिखा है, एक तो मांग कम कीजिए और दूसरा है सेवा ज्यादा कीजिए। मांगे ज्यादा हो गई तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा हो जाएंगे, और सेवा ज्यादा हो गई तो भगवान कपिल देव आके प्रकट हो जाएंगे। 2 स्त्रियों की कथा है तीसरे स्कंद। एक वह स्त्री है जो महात्मा कश्यप की पत्नी है और उसका नाम है दिति, जो राक्षसों की मां है। एक और दूसरी स्त्री है इसी तीसरे स्कंद में, उस माता का नाम है, वो कर्दम ऋषि की पत्नी है, उसका नाम है देवहूति। इसके जीवन में सेवा थी और उस सेवा का प्रभाव यह था कि इसके यहां स्वयं भगवान कपिल नारायण चल करके आ गए। जीवन में सेवा होगी तो वहां भगवान चल के आ ही जाए। सेवा के भाव को मजबूत कीजिए। घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, दीन दुखियारे हैं, आसपास रहते हैं, कहीं अनाथालय है, ऐसी जगह पर टाइम निकाल के जाते रहिएगा, समय को वेस्टेज मत जाने। आज मैं रास्ते में, मेरी गाड़ी में 2-4 5-4 लोग थे, तो रास्ते में हम चर्चा करते आ रहे थे कि अपना समय बिल्कुल फालतू में मत जाने दीजिए, योजनाएं बनाइए अच्छा कुछ करने के लिए। और आज के समय में हर चीज प्राप्त करने के लिए बड़े अद्भुत साधन प्रकृति ने दे दिए,
जो कि पहले नहीं था। आपने देखा होगा ना, इतना पैसा था ना इतनी सुंदर पोजीशनें लोगों की थी, लेकिन वो सब चीजें मिल रही हैं। बस उसका सदुपयोग, बिजली के द्वारा लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, इसका सदुपयोग कर लो ठीक से तो आवाज भी आएगी, प्रकाश भी मिलेगा। यदि सदुपयोग करने का ढंग नहीं है, बिना रबड़ के तार को छू ले तो ये प्राण लेवा बन जाए। उसी ही प्रकार से इन साधनों के लिए कहा गया, चीजें तो सब है लेकिन ये योग्यता होनी चाहिए कि इसको कैसे यूज किया जाए, इसको प्रयोग में कैसे किया जाए। धन, उसका प्रयोग करना, कमाना सब जानते हैं लेकिन उसको खर्च करना, उसको प्रयोग करना सब नहीं जानते। चीजें सब उपलब्ध हैं लेकिन उनको खाने का ढंग नहीं है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए उनको पता ही नहीं। ईश्वर ने इतनी कृपा करी है, घी दिया है, दूध दिया है, माइग्रेन की बीमारी तत्काल खत्म हो जाती है। 300 ग्राम दूध में एक चम्मच घी डाल के और फेंट के, घी हमेशा गर्म करके डाला जाए दूध में, फेंट करके पी जाइए, माथे का दर्द बंद हो जाएगा, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी, ऑपरेशन जैसी नौबत आ रही होगी तो वो भी रुक जाएगा। देखो ये सब चीज़ें मृत्यु लोग, लेकिन लोग उसको प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं। करवा चतुर्थी आ रही है, मैं विस्तार पूर्वक बात डालूंगा, करवा चौथ है, वीडियो एक डाल दिए और भी मिलेगी आपको। अभी तो मैं इतना सा ही बोल रहा हूँ, करवा चौथ से एक दिन पहले कम से कम 2 नारियल पीना, कम से कम आपको प्यास नहीं लगेगी करवा चौथ वाले दिन। नींबू पानी पी लेना, अगले दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। एक दिन पहले दूध लेना, दही लेना, घी लेना, आपको प्यास नहीं लगेगी। मुझे प्यास नहीं लगती क्योंकि दूध पीता हूँ, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में 29 साल हो रहे हैं कभी व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया। 10-10 घंटा गया मैंने, 16-17 घंटे तक पानी नहीं पिया। और आनंद की बात यह है कि बॉडी में पानी का अभाव भी नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे याद नहीं है कितने वर्षों से मेरे ऊपर कभी ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ी, कभी मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत है। मुझे खूब ध्यान है और मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ ये बात। 16 घंटा पानी पीने के बाद भी, 16 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने 16-16 घंटे के अनुष्ठान किए और ऐसे अनुष्ठान किए जिसमें पानी नहीं पिया जाता, तो शरीर में, बॉडी में पानी की कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये प्रभाव दूध का। तो आप एक आध दिन पहले से दूध, दही, छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, नारियल, नारियल का पानी भी प्यास नहीं लगने देता। मैं पूरी वीडियो डालूंगा, उसमें आप ठीक से विस्तार से सुन लीजिएगा। मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, करवा चौथ, करवा चतुर्थी, एक वीडियो ऐसी भी डालूंगा जिन बहनों की बेटियों की पहली करवा चतुर्थी है तो वह उस व्रत को कैसे करे। तो पहली करवा चतुर्थी होती है तो नारी अपने हिसाब से खरीद के कपड़े नहीं पहन सकती पहली करवा चौथ में, या तो ननद उसके हाथ में वह वस्त्र देगी या सास माँ देगी। ये नहीं है कि उसका पति खरीद के ले आया और उसने पहन लिया, नहीं, पहली करवा चतुर्थी के बड़े नियम है। और मैं तो जो भी बातें आपसे चर्चाएं करूंगा वो सब शास्त्र के अनुसार, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिए। यदि ऐसा होगा तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही कहां। बस मैं, कितना बड़ा रोल है सास का जो अपनी बहू को उस दिन भोर में जब तारा दिखाई देता है आकाश में, उस समय तारा तरैया अस्त हो गई पर कुछ भी नहीं, अंबर आकाश में जब तारा दिखाई देता है तो उस समय वह अपनी घर में बहू को, जिसकी पहली करवा चौथ है, बहू को कुछ खाने के लिए देती है और उससे उसका व्रत खंडित नहीं होता। पहनने के लिए वस्त्र देती है, उसको सरखी कहते हैं। हाँ, मालूम है आपको? हाँ, मैं निवेदन करूंगा, सब अभी बता दूंगा फिर आप वीडियो नहीं सुनेंगे। तो वीडियो में मैं बहुत विस्तार पूर्वक, मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। आइए मैं कथा में चल रहा हूं, बस 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित करते हुए, प्रभु हम भी शरणा करते हैं, बहुत प्यारी पंक्तियां बस गुनगुनाते हुए चल रहे हैं आपके बीच में, तो वैसे भी बोलने में आनंद आता। स्वर्ग
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने
देखे को दिया है। 4 बजे से पहले पहले खीर बना के आप उसमें कुसा और तुलसी पत्र रख दें तो वो अपवित्र नहीं होगी, शुद्ध बनी रहेगी। और एक दूसरा और है, वो रात्रि को 2:30 बजे के बाद स्नान करने के तत्पश्चात फिर उसे बनाइए और फिर उसको छत पर रख दीजिएगा, फिर कल उसको प्रसाद रूप में लीजिएगा, उसका क्या प्रभाव है। आश्रम तो रात को बनाएगा नहा के 2:30 बजे के बाद, हर साल बनती है, इस साल भी बनेगी, तो आप पहले भी बना सकते हैं, दोनों समाधान है। और रात्रि को जग जाते हैं तो रात्रि में भी आप हाँ बना लीजिएगा। पूर्णमाएं पूर्णमासी। तीसरे स्कंद की आप कथा सुन रहे हैं, तो 33 अध्यायों से भरा हुआ यह स्कंद बड़ा अद्भुत है, जिसमें 2 बातें विशेष रूप से कही गई हैं। सेवा करोगे तो भगवान मिलेगा, और दुनिया की गलफत में रहे, दुनिया के भोगों में अपनी वृत्ति को बना लिया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हो जाए। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं, जिनकी आंखें धन में ही गड़ी है, 8 पैसे के लिए लोग माई बाप से दूर हो गए, 8 पैसे के लिए पुरुष पत्नी से अलग, बेटा बाप से अलग हो गया पैसे के लिए, पैसा। और जिनके जीवन में सब कुछ पैसा ही है उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। संस्कृत में हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य, अक्षसा हिरण्याक्ष। अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना, संपदा, जिसकी आंखें संपदा के ऊपर गड़ी है उसका नाम हिरण्याक्ष। बच्चे माई बाप से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर रहते हैं, भारत में भी रहते हुए वो माता पिता ही फोन कर लें उनको जरूरत नहीं पड़ती है। 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन लुटाने में लगे रहते हैं, सप्ताह उनका ऐसा ही निकल जाता है हफ्ता। कभी मम्मी पापा फोन भी करते हैं तो कहते हैं पहले तो माथा पकड़ेगा फोन देख के और फिर कहेगा मम्मी मैं कर लूँगा बात, इस समय ऑफिस में बैठा। उनको टाइम ही नहीं है, उनको समय नहीं। जिनकी ऐसी जिंदगी बन गई है वह हिरण्याक्ष की जीवन शैली में जी रहे हैं, लेकिन जीवन हिरण्याक्ष की शैली में नहीं, हमारा जीवन महापुरुषों की शैली में यदि जिया जावे तो आनंद हो जाएगा। माता देवहूति की तरह जी लें, कर्दम ऋषि की तरह जी लें, तो वहां पर फिर कौन है, कपिल प्रकट होते हैं। कपिल कौन है, जिसका मन चंचल नहीं है उसे कपिल कहते हैं, जिसका मन उच्चाटन नहीं करता उसको कपिल कहते हैं, जिसका मन स्थिर है उसे कपिल कहते हैं, जिसका मन मजबूत है उसे ही कपिल कहते हैं। आप शरीर से कितने भी दुरुस्त हों, यदि आप मन से कमजोर हैं तो संसार तोड़ डालेगा, और आप शरीर से कमजोर हैं मन से मजबूत हैं आप तो आपको पराजय भी हो गई है तो आपको विजय मिल जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते।
यदि आप मन से कमजोर हो गए, दुनिया में कोई तुम्हें विजय नहीं दे सकता। वो मन से अर्जुन कमजोर हो रहा था तभी तो गीता सुनाई थी। ये साहित्य जितना है, ग्रंथ जितने हैं, कथाएं जितनी हैं, ये मन को मजबूत करने के लिए। और जो मन से मजबूत है संसार में उसको कौन परास्त कर पाएगा? कोई भी नहीं। जो मन से मजबूत है उसी को तो कपिल कहते हैं, जिसका मन टूटा पड़ा हुआ है। वो कथा हिरण्याक्ष से जुड़ी हुई कथा है। आइए तो ऐसे ही प्रसंग में मैं प्रवेश करूंगा, जहां सबसे पहले इस ग्रंथ में एक दीनहीन से, एक भावुक, एक समर्पित महापुरुष महात्मा की कथा कही है। इस घर में एक बड़ी अच्छी स्त्री रहती है, उस माता का नाम है सुलभा। जिससे किसी को घाटा नहीं होता उसे सुलभा कहते हैं, जो सबको लाभ प्रदानित करती है। और पत्नी का अर्थ जानते हैं आप? जो पति के ऊपर तनी रहे, ये पत्नी की व्याख्या नहीं है। जो उस परिवार में सबके हृदय में जगह बना लेती है उसे पत्नी कहते हैं। सबका भरण पोषण करती है इसलिए उसको भार्या कहते हैं। भार्या उसी ही नारी का नाम है जो पति के सास ससुर सब परिवार में उससे जो जुड़ा हुआ है सबका ध्यान ख्याल रखती है, इसलिए उसका नाम है भार्या। संस्कृत का शब्द है भार्या। तो एक ऐसी अद्भुत ये गढ़ी हुई कथा माता सुलभा के चरित्र से आरंभ हो रही है। माता जो सुलभा है वो महात्मा विदुर की घरवाली है, उसकी पत्नी है। विदुर की पत्नी गरीबी बहुत, बहुत दीनता है। जिस वस्त्र को, साड़ी को पहन करके नहाती है उसको बदलने को नहीं है, उसको शरीर पर सुखाती है, धूप में बैठ कर सुखाती है, क्योंकि उसके पास कपड़ा ही नहीं है बदलने के लिए। ऐसी माता सुलभा बहुत वंदनीय है और महात्मा विदुर की पत्नी। इसके मन की बस यही इच्छा होती थी, इसने कृष्ण की बाल लीलाओं को सुना था और कन्हैया की बाल लीला सुनने से कृष्ण के प्रति बड़ा स्नेह जागा। विदुर जी कन्हैया की बाल लीला सुनाते थे, गोपियों की कथाएं सुनाते थे, आंख में आंसू ले आते थे, आंखें भर आती थी और यही कहा करती थी, हे गोविंद यदि मुझसे कुछ अच्छा कुछ हुआ है, जैसे तुम गोपियों के हाथ का मक्खन खा लेते, मेरे भी रसोई को कभी जूठा करके चले जाइए, एक बार तो तुम आ जाइए, वो रोज कहते थे। तो कबहूं तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान, प्रतीक्षा कीजिए वो कभी न कभी तो सुने, वह सुन लेगा, बिल्कुल सुन लेगा। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है, परीक्षा में नहीं प्रतीक्षा में आनंद है। किसी का इंतजार करके तो देखिए, माता सबरी की तरह जिसने लंबे समय तक प्रभु श्री राम जी का इंतजार किया, प्रतीक्षा की। राम के आने पर उसे कितना अच्छा लगा है सबरी ने जिक्र किया। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट लाभ, अहम ही परमो लाभ है। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा चरित्र में सुदामा जी ने कहा, अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का यही परम लाभ है कि नित्य तुम्हें भगवत दर्शन होता रहे, रोज भगवान का स्मरण होता रहे, यही जिंदगी का प्रॉफिट है। ये तो पैसा कमाया, ये पैसा तो जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, संग्रह के लिए, सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए। ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। नित्य भगवान का स्मरण बना रहे, उनको हम याद करते रहे, उनका दर्शन होता रहे। भगवान किसी न किसी रूप में तो दर्शन देता ही है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट, लाइफ प्रॉफिट तो यही है। रोजाना कहती थी कि भगवान आप बस कृपा कर दें, एक बार आप मेरे यहाँ आ जाए। एक कुटिया आपकी है, गंगा के किनारे पर कुटिया थी, छोटी बांस बल्ली की बनी हुई थी, छप्पर ऊपर डला हुआ था। इतने बड़े राजा का मंत्री है, आज के मंत्री संतरी होते पूछना ही मत, लेकिन इतने बड़े राजा का मंत्री है जिसके कुटिया के ऊपर छान पड़ी हुई है, पक्का मेल नहीं है विदुर जी का। विदुर जी छान छप्पर में रहते हैं। और याद रखना कि ईश्वर बिल्डिंग बंगले वालों के लिए नहीं कि यहाँ नहीं, भगवान तो छप्पर वालों के यहाँ चल कर के आते हैं।
छप्पर पड़ा हुआ था। रोज प्रतीक्षा करती थी, इंतजार करती थी, भगवान आप एक बार पधारिए, मैं आपको कुछ खिलाऊंगी। और माताओं को तब तक प्रसन्नता नहीं होती जब तक उनके घर में कोई आवे और जब तक कुछ खा के ना जाए। दमान आवे, यदि वो बिना खाए चला जाता है तो वो यही कहेगी कि अब तो लड़का इतना बड़ा हो गया है, हैं, हमने इंतजार किया। वो अपने दामाद को कहती है, इतना हम प्रतीक्षा करते रहे हैं, बिल्कुल मुंह जूठा करके भी नहीं गया, कुछ खा के भी नहीं गया। कभी तो वो अपनी समधन से शिकायत करती है, अपनी बेटी को कहती है, इन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाए। हम जैसे लोग भी आपके घर आते हैं, यदि कुछ खाए नहीं पिए नहीं तो कहेंगे महाराज जी बदल गए हैं, पहले तो रसोई में से अपने हाथ से उठा करके ले लेते, खा लेते थे, अब हम बोलते रहे तो भी कुछ खाया नहीं। ये पुरुष लोग नहीं ऐसा बोलते, लेकिन माताएं, माताएं उधार ज्यादा है। मेरे पास तक जब से मैंने अन्न छोड़ा, 4 साल होने को जा रहा है, एक भी पुरुष ऐसा मुझे ज्यादा दिखा नहीं, कोई इक्का दुक्का आ जाए उसने कहा वो महाराज जी हम ये लिया, नहीं तुम्हें सौगंध हमारी है, हाँ तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं बोला। लेकिन माताएं आती हैं, महाराज जी मैंने बड़े स्नेह से बनाया, प्रेम से बनाया और अपने हाथ से बनाया, हमें पता है कि आप अन्न नहीं खाते हैं, हमने इसमें अन्न के हाथ भी नहीं लगने दिए, आस पास भी पेड़ा बड़े प्रेम से बनाए, दूध मैंने अपने हाथ से अधोटा दूध गर्म किया है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। कभी कभी तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं उस भाव को देख करके। और मेरा भी यह नियम है कि जो भी कुछ लेके आया होगा मैंने उसमें से कुछ न कुछ जरूर खाया होगा, पक्का है, मुझे पता है। इतने प्रेम से आप अपने बच्चों को भी नहीं बनाती जो हम लोगों के लिए आप लेके आती हैं, उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी है। आज विधवानी की अनुख बराई, विधवानी रो पड़ी, कहने लगी हे प्रभु बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हे बाल मुकुंद एक बार आप मेरे घर पधारिए, मैं अपने हाथों से तुम्हें कुछ बना करके खिलाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान तो सबकी सुनते हैं, और वही समय चल के आ रहा था, 3रे स्कंद की कथा यहीं से आरंभ होती। बात उस समय की थी, भगवान सुखदेव कहते हैं दातु राजा सुस्तान साधुना पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बात उस समय की थी जिस समय दुर्योधन धृतराष्ट्र के इन लड़कों ने पांडवों को लाक्षा घर में जलाया, तब की बात। लेकिन जाकों राखे साइया मार सके ना को, बालन बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो, पूरी दुनिया भले ही दुश्मन हो जाए, जिसको बचाने वाला भगवान है दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी। पांडवों को लाक्षा घर में जलाया, कौन कहता है कि भक्त के ऊपर परेशानियां नहीं आती? परेशानियां तो आती हैं, लेकिन परेशानियों को ईश्वर दूर करने में हर क्षण हर पल वहां खड़ा रहता है। पांडवों के जीवन में बड़ी दिक्कत परेशानी आई, भगवान खड़े, लाक्षा घर धो धो करता हुआ जलता है, भगवान ने जलते हुए लाक्षा घर से पांडवों को बचा लिया। तो वही चर्चा कर रहे हैं आज विदुर, विदुर जी जो भी बोले इसी को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर ने आज धृतराष्ट्र को समझाया और कहा कि देखिए इतना बड़ा अन्याय आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। विदुर तो साक्षात धर्म के प्रतीक है, धर्म ही धर्म राज ही तो विदुर के रूप में धरती पर आकर के जन्म लिए। श्राप लगा था मांडव्य ऋषि का, मांडव्य ऋषि को एक बार ऐसी घटना घट गई, किसी के यहाँ चोरी हो गई, राजा के यहाँ चोरी हुई, सिपाही लेकर के वो चोर सामान लेकर के भागे, राजा ने कहा सिपाहियों को कि चोरों को पकड़ो, तो चोर के तो पाम ही कितने होते हैं, चोर भागे, सिपाही पीछा कर रहे थे, रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम मिला, वो सामान फेंक फाक करके पीछे घुस गए, पीछे छिप गए जाके। तो सिपाही आए तो सिपाहियों ने सामान बरामद किया और कहा कि ये महात्मा का ही ये काम है, चोरी इसने ही की है। तो महात्मा को खड़ा कर दिया राजा के सामने और कहा कि ऐसे ऐसे सामान भी मिल गया और चोर भी मिल गया। राजा ने सजा सुना दी, राजा में तो धर्म देव अग्नि देव सब बैठते,
सजा सुना दी और कहा कि इसको किले के ऊपर लटका दिया जाए। तो पेट में दतुआ पार करके, किला पार करके और ऐसे धरती में गाड़ दिया गया। हजारों वर्षों तक महात्मा मांडव्य उस किले पर लटके रहे। संत महात्मा पंछियों का भेष बनाकर उनसे मिलने को आते थे। कष्ट बहुत भारी हुआ, लेकिन जब समय पूरा हो गया तब धर्मराज ने कहा कि महात्मा को सूली से उतार दिया जाए। तो सूला इतना गड़ गया था पेट में कि उसको काटना पड़ा। तपस्वी महात्मा था, प्राण तो निकले नहीं। महात्मा मांडव्य सीधे ऊपर के लोग पहुंचे यमराज के। यमराज उनके क्रोध के मारे कांपने लगा और कहे, धर्मराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कौन सा दोष था जिसकी वजह से तुमने मुझे सूली पर चढ़ाया। धर्मराज ने कहा कि बिना पाप के तो कांटा भी नहीं लगता। तब से आज भी ये बात कही जाती है कि बिना पाप के कांटा भी नहीं लगता। मांडव्य ने कहा, मैंने गलती क्या करी थी? चोरी मैंने नहीं करी, फिर मुझे सूली पर हजारों वर्षों के लिए क्यों चढ़ाया गया? धर्मराज जवाब तुम्हें देना होगा। तो धर्मराज ने कहा, महात्मन पूर्व जन्म में तुमने एक तितली के बच्चे को नुकीले कांटों से भेद दिया था। तुमने तितली को भेदा, उसका परिणाम ये तुम्हें सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ने कहा कि तुम्हारा पंचायतन क्या कहता है, तुम्हारा न्याय क्या कहता है कि पाप कितने बजे कितने वर्ष से लगना शुरू हो जाता है? तो धर्मराज को कहना पड़ा कि अपराध जो हैं वो 8 वर्ष से आरंभ हो जाते हैं। 8 साल की उम्र में सबको जानकारी मिल जाती है। 8 साल से यदि कोई अपराध करेगा तो उसको अपराध का भोग भोगना पड़ता है। मांडव्य ने कहा कि अपना बही खाता उठा करके देखो, जिस समय मैंने तितली का भेदन कर दिया उस समय मेरी उम्र कितनी थी? बोलती बंद हो गई, सब खकोल करके देखा तो 5.5 वर्ष की उम्र थी। महात्मा मांडव ने कहा, धर्मराज यदि तुम ठीक से न्याय करना नहीं जानते हो तो इस गद्दी पर तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है, और यह मांडव्य तुम्हें श्राप देता है कि धरती पर तुम्हें दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। महात्मा मांडव्य ने श्राप दे दिया धर्मराज को। वही धर्मराज इस मृत्यु लोक में एक दासी पुत्र विदुर के रूप में चलकर गया। वही आके विदुर बन गया। उन्हें तो पूर्व का बहुत बड़ा ज्ञान था। धर्मराज तो द्वादश भागवत में एक नाम आता। तो यदा तु राजा सुसुतान साधुन पुष्णेन धर्मेन विनष्ट दृष्टि। जिस समय लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया, पांडव सुरक्षित बाहर आए। देखो ये तमाम कथाएं ये कहती हैं, यदि हम भगवान के बन जाते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ के बताए। यही तो कथा है पांडवों को बिगाड़ने में, पांडवों को समाप्त करने में दुर्योधन ने कितने जोर लगाए। उनके पक्ष में एक ऐसा महाबली खड़ा है, काल भी उसका सामना नहीं कर पाता। पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, 7 चिरंजीवों में से एक हैं कृपाचार्य, ये सब इकट्ठे हैं तो भी ये पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि पांडवों के रथ में गिरधर बैठा है। जिसके पक्ष में भगवान हो महाराज, उसका तो कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। इसलिए हमें और आपको ऐसे शुभ काम करने चाहिए जिससे भगवान हमारे बगल में, हमारे जीवन के रथ में बैठा रहे। ऐसी जिंदगी जिए। धृतराष्ट्र के सामने विदुर खड़े हैं, उनकी आंख में आंसू हैं और वो कहते हैं, राजन अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तदक्षतो दुर्विषयम तबाय। जैसे दुष्टर के साथ में इतना द्रोह किया जा रहा है अजात शत्रु, वो अपनी दृष्टि में किसी को दुश्मन मानता ही नहीं। मेरा कहना है कि ईमानदारी से उनका भाग दे दो, और यदि तुमने यह ना किया तो प्रकृति को तुम जवाब नहीं दे पाओ। धृतराष्ट्र बौखला गया,
विदुर का बहुत बड़ा अपमान भी हुआ, यहां तक विदुर को निकाल दिया गया। भीष्म ने आकर के गर्जना करी, फिर विदुर को लाया गया। विदुर ने बहुत समझा और यहां तक कह दिया युधिष्ठिर और अर्जुन मान जाएंगे तुम जैसे कहोगे वैसे, लेकिन जो पवन है साक्षात वो मानेगा नहीं कैसे भी, और उसकी गदा उठ गई तो हस्तिनापुर में कोई ऐसा नहीं है जो भीम की मार से तुम्हारे पुत्रों को कोई बचा ले, मुझे दिखता नहीं है। भीष्म के ऊपर तुम गरजते हो, पितामह भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पवन है और जब तूफान आता है तो तूफान रुकता नहीं है राजन कैसे भी। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके जाने के बाद ही पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। ये दो हैं, एक है क्रोध और एक है तूफान। ये आते हैं तब नुकसान का पता नहीं होता, जब ये चले जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध में लोगों ने टीवियां तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, मोबाइल फोड़ दिया, और कितना नुकसान, लेकिन बाद में रोते हैं कि बहुत नुकसान। वो क्रोध के जाने के बाद फिर ढंग आता है, फिर पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ। ऐसे ही जब तूफान आता है, हवा का बवंडर आता है, दीवारें गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, टीन सेट उड़ जाते हैं, फिर बाद में यह पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। बाद में देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये दोनों बड़ी खतरनाक है, एक है क्रोध और एक है तूफान। महात्मा विदुर बोल रहे हैं।